सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन सभी लोगों को, इन लोगों ने मुख्य परीक्षा को पास किया है, सफलता प्राप्त किया है। एक बहुत बड़ी सफलता है ये लाइफ की, क्योंकि मुख्य परीक्षा को पास करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है सिविल सेवा के क्षेत्र में, और एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है ये कि अब आप इंटरव्यू को फेस करके, उसको पास करके अपने अपने गोल को प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं भी है आगे की, अभी से ही हम लोग शुभकामना व्यक्त करते हैं कि आप लोग अच्छे अच्छे पोस्ट पर जाएं, जो आपका मनचाहा पोस्ट है वहाँ जाएं। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई इंटरव्यू की तैयारी किस प्रकार से करना है, हाउ टू प्रिपेयर इंटरव्यू। इंटरव्यू को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन होता रहता है, स्टूडेंट्स के मन में डर रहता है, भयभीत रहते हैं कि आखिर भाई क्या होगा, क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, मेरा परफॉर्मेंस अच्छा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। एक भय के साथ इंटरव्यू देने जाते हैं लोग, इससे समस्याएं आती हैं। तो मेरा कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस है कि इंटरव्यू, पहला कि व्हाट इज इंटरव्यू, इंटरव्यू है क्या एक, और इंटरव्यू लिया क्यों जाता है, क्यों लिया जाता है, ठीक है। और तीसरा है कि कैसे इंटरव्यू को फेस करना है, हाउ टू फेस द इंटरव्यू, हाउ टू अपीयर इन द इंटरव्यू, और इसका क्या रोल होता है। अभी जो हम लोग एग्जामिनेशन दे रहे हैं, देते हैं पीटी मेंस इंटरव्यू, उसमें इसका क्या रोल होता है। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न हैं जिस पर हम लोग अलग अलग स्टेप में चर्चा करेंगे, अलग अलग क्लास में इसकी चर्चा करेंगे, और आप अपने आप को थोड़ा स्ट्रेंथन फील करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात है यहाँ कि व्हाट इज इंटरव्यू, इंटरव्यू क्या है, ठीक है। कुछ लोगों का कहना कि इंटरव्यू क्या है भाई, तो क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन पूछा जाएगा आंसर दिया जाएगा, ऐसा लोग समझते हैं। तो क्या यह है केवल क्वेश्चन आंसर सेशन है, जैसे अगर हम यहाँ इसको ये बात करते हैं कि क्या यह क्वेश्चन आंसर सेशन है, तो इसका जवाब होगा नहीं, इट इज़ नॉट ओनली ए क्वेश्चन आंसर सेशन। क्योंकि इंटरव्यू में जब हम फेस करते हैं, इंटरव्यू को फेस करते हैं, तो कितना प्रश्न पूछा गया और कितने का जवाब हमने दिया, नंबर मैटर नहीं करता है, मतलब क्वांटिटी मैटर नहीं करता, हाँ क्वालिटी मैटर जरूर करता है, कैसे आपने आंसर दिया। इसलिए हमने यहाँ पर बनाया है हाउ, कैसे आपने आंसर दिया है। जैसे सपोज़ कीजिए कि अगर वहाँ 25 क्वेश्चन पूछा गया, 25 क्वेश्चंस पूछे गए, 25 क्वेश्चंस में हो सकता है कोई विद्यार्थी 15-17 का जवाब अच्छे से दिया हो, बाकी में उसने सॉरी बोला हो, कुछ जवाब नहीं दे पाया, या एक आध क्वेश्चन थोड़ा सा और ज़्यादा कमज़ोर हुआ हो, ठीक है। एक दूसरा विद्यार्थी है जो 25 में 23-24 का आंसर दिया हो, लेकिन हो सकता है उसमें 4-5-7 क्वेश्चन ऐसा जो गलत जवाब दे दिया हो, या ट्रैक से हटकर जवाब दे दिया हो, इरेलेवेंट आंसर दे दिया हो। तो जवाब देने से केवल, ठीक है, इंटरव्यू बेहतर नहीं होता है। तो यह क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इंटरव्यू है क्या, इंटरव्यू आखिर इसको जानने के लिए समझना है कि इंटरव्यू का जो बोर्ड है, इंटरव्यू में एक तो बोर्ड होगा, ठीक है, अब बोर्ड के अलावा दूसरा क्या है, जो हमारा ये स्टूडेंट्स हैं, बोर्ड और स्टूडेंट्स। तो बोर्ड क्या चाहता है, इंटरव्यू बोर्ड आपसे क्या चाहता है और आप क्या चाहते हैं, ये ध्यान रखना है। तो आप क्या चाहते हैं, सबसे पहला चीज़ है आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं रिजल्ट, आप चाहते हैं रिजल्ट, आप चाहते हैं पोस्ट, ठीक है। और इंटरव्यू बोर्ड क्या चाहता है, इंटरव्यू बोर्ड चाहता है कि जो पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए वह कैंडिडेट सुटेबल है कि नहीं, इसकी जांच करता है, सुटेबिलिटी की जांच करता है, प्रोब फॉर सुटेबिलिटी ऑफ द पोस्ट। इंटरव्यू क्या करता है, इंटरव्यू बोर्ड क्या करता है, प्रोब फॉर सुटेबिलिटी ऑफ द पोस्ट। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सुटेबिलिटी, सुटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वेदर यू आर सुटेबल और नॉट फॉर द पोस्ट वट एवर यू ऑप्ट। आपने जो ऑप्ट किया, ये किसी का पोस्ट होगा पुलिस सेवा, किसी का होगा प्रशासनिक सेवा, किसी का होगा वित्त सेवा, इस टाइप से, तो अलग अलग पोस्ट का आपने ऑप्ट किया, आपका वो ऑप्शन है, फर्स्ट चॉइस है, सेकेंड चॉइस है, तो उसकी सुटेबिलिटी की जाँच करना बोर्ड का काम है।
अब बोर्ड का अपना कुछ डिजायर है, कुछ डिमांड है, कुछ एक्सपेक्टेशन है, ठीक है ना, कि आपसे उम्मीद करता है, तो उसी उम्मीद को उसी को समझना है, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड काफ़ी अनुभवी, काफ़ी वहाँ पर प्रोमिनेंट पर्सन नॉलेज के क्षेत्र में, एक्सपीरियंस के क्षेत्र में, पद के क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छे जगह से लोग आए हुए रहते हैं। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं, बड़े बड़े पद पर रहने वाले ऑफिसर्स होते हैं, उनका अपना जीवन का अनुभव होता है और कार्य का भी अनुभव होता है। जो एक्सपीरियंस होता है उनका, वो वर्क का भी होता है, लाइफ का भी होता है, स्पिरिचुअल भी होता है, इथिकल भी होता है, हर चीज़ उनका नॉलेज का जो पार्ट है काफ़ी डाइवर्सिफाइड होता है। और इन सारे गुणों का, सारे चीज़ का वो जांच करना चाहते हैं कि इंटरव्यू देने वाले स्टूडेंट्स के थ्रू, ठीक है ना। उसके लिए, क्योंकि जिस पोस्ट पे हम बैठाने जा रहे हैं स्टूडेंट्स को, वहाँ काम करने वाला व्यक्ति पब्लिक के साथ कैसे व्यवहार करेगा, सरकार के रूल रेगुलेशन कैसे इम्प्लीमेंट करेगा, ये देखना उनका काम है। तो केवल पढ़ने से, क्वेश्चन आंसर की व्याख्या कर लेने से, या इंटरव्यू में केवल चले जाने से यह नहीं हो पाता है। इसीलिए हमने कई बार बताया है कि यह क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है, बल्कि यह क्या है, इसको हम बोल सकते हैं इंटेलेक्चुअल टाइप ऑफ गॉसपिंग। क्या बोलते हैं? इंटेलेक्चुअल टाइप ऑफ गॉसपिंग मतलब बुद्धिवत्ता पूर्ण किया गया बातचीत है, मतलब फॉर्मल गॉसपिंग बोल सकते हैं। इंटरव्यू क्या है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं इंटेलेक्चुअल टाइप ऑफ गॉसपिंग मतलब बुद्धिमत्ता पूर्ण किया गया बातचीत। और यह गॉसपिंग कैसा है? फॉर्मल, फॉर्मल बातचीत है, मतलब यह औपचारिक है, औपचारिक बातचीत है। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी बात करते चले जाएं, जैसे दोस्तों से बात करते हैं, घर में फैमिली से बात करते हैं, ठीक है, उस टाइप से हम वहाँ पर बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ एक ऑब्जेक्टिव है। इंटरव्यू बोर्ड की बात जो है, यहाँ इसका अपना एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, उद्देश्य है। इंटरव्यू लेने वाले का अपना एक उद्देश्य है और इंटरव्यू देने वाले का भी उद्देश्य है, दोनों का अपना अपना ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और दोनों का ऑब्जेक्टिव जब मैच करता है, एक फ्रीक्वेंसी पर आ जाता है, तो वह रिजल्ट में बदल जाता है। मतलब ऑब्जेक्टिव उसका प्लस ऑब्जेक्टिव आपका, दोनों जब एक फ्रीक्वेंसी पर आता है तो इसे रिजल्ट बनता है। इसको ध्यान में रखना है। ये इंटरव्यू, इंटरव्यू लेने वाले का, इंटरव्यूअर का है, ये इंटरव्यू का है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। जब दोनों मैच करते हैं, एक फ्रीक्वेंसी पर आता है तो रिजल्ट होता है। तो हमें तैयारी कैसे करनी है, हमें तैयारी कैसे करनी है? इंटरव्यू बोर्ड ने क्या किया है, बोर्ड ने अपनी फ्रीक्वेंसी को यहाँ लगा कर रखा, इस लेवल पर सेट किया हुआ है, और हमारी फ्रीक्वेंसी अभी क्या है, स्टूडेंट्स की यहाँ है। तो हमें क्या करना है, अपनी फ्रीक्वेंसी को इस लेवल से बढ़ा करके क्या करना है, ऐसे अप करना है, जिसे हम जाना है, ये फ्रीक्वेंसी को मैच करवाने की आवश्यकता है। मैच का सेंस यह नहीं है कि हम उस लेवल पे चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन जो उसका डिमांड है, डिजायर है, उसको पूरा करना है, ठीक है। तो पहला चीज़ है कि व्हाट इज इंटरव्यू, तो इंटरव्यू इज इंटेलेक्चुअल टाइप ऑफ गॉसपिंग, ठीक है, और इट इज़ फॉर्मल गॉसपिंग, जिसका अपना का ऑब्जेक्टिव होता है। यह एक औपचारिक, बुद्धिमत्ता पूर्ण किया गया औपचारिक बातचीत है, जिसके अपने उद्देश्य होते हैं, ठीक है, और उस उद्देश्य को लेकर वो बैठा रहता है व्यक्ति, काफ़ी अनुभवी होता है। तो हमें भी क्या करना होगा, बुद्धिमत्ता पूर्ण औपचारिक बातचीत एक उद्देश्य के साथ लेकर चलना होगा, उस तरीके से अपने आप को डेवलप करना है, न कि केवल पढ़ना है, रटना है, क्लियर है। तो ये हमारा एक पार्ट है, ये वाला व्हाट, ठीक है। दूसरा, इट इज अ पर्सनालिटी टेस्ट, व्यक्तित्व परीक्षण, इंटरव्यू क्या है, एक व्यक्तित्व परीक्षण है, ठीक है। ये पर्सनालिटी तो काफ़ी ब्रॉड पार्ट है लाइफ का, पर्सनालिटी किसी के चेहरे से, पर्सनालिटी किसी के वियरिंग से, कपड़ा बहुत अच्छा पहन लिया उससे हम नहीं आंक सकते। पर्सनालिटी शब्द ही बना हुआ है, परसोना एक शब्द है, परसोना ये इंटरनल क्वालिटी होती है, आंतरिक गुण होता है व्यक्ति का, और आंतरिक गुणों को बाह्य रूप से हम प्रेजेंट करते हैं कहीं, तो हमारी पर्सनालिटी सामने वाले को दिखती है। बोर्ड को प्रभावित करना है अपनी पर्सनालिटी से, ठीक है। तो एक व्यक्ति का
जो गुण होता है इंटरनल एक्सटर्नल, वो क्या सोचता है, है ना, क्या सोचता है, क्या करता है, कैसे करता है, कैसे रिस्पॉन्स करता है किसी चीज़ के प्रति, ये है पूरे का पूरा पर्सनालिटी। ठीक है ना, इसमें आप लिख सकते हैं पर्सनालिटी वाले पार्ट में कि आप किस प्रकार से, जैसे आपका स्किल क्या है, किस चीज़ को मतलब स्किल क्या है, आपका थॉट क्या है, सोचते कैसे हैं, किसी भी घटना के प्रति रिस्पॉन्स कैसे करते हैं, रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, आपका अप्रोच कैसा है, आपकी फीलिंग्स कैसी है, फीलिंग्स को भी देखना है, फीलिंग्स कैसी है। ये साथ साथ आता है कि आप किस प्रकार के वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, शब्दों का इस्तेमाल किस प्रकार से करते हैं, एक ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, शब्दों का इस्तेमाल काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हालांकि शब्द पे हम आएंगे, अलग से भी बात करेंगे, मेरी बात समझ में आ रहा है कि इट इज़ ए पर्सनालिटी टेस्ट। ठीक है, इन विच डिफरेंट पॉइंट्स आर देयर आर, फर्स्ट इज वर्ड्स, स्किल, थॉट, रिस्पॉन्स आपका कैसा है किसी भी घटना के प्रति, किसी भी विचार के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति, अप्रोचेज आपका क्या है, ठीक है, आपकी फीलिंग्स किस प्रकार की है, ये सारा चीज़ है ETC। इसके अलावा बहुत सारा चीज़ इसमें आएगा। ठीक है, हालांकि वर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं, वर्ड्स थोड़ा सा सहज, ठीक है, सधा हुआ, मैच्योरिटी के साथ, ठीक है, सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। हमने पहले ही बताया है, दूसरे वीडियो में भी तुम लोग देखोगे कि ऐसे जो पर्सनालिटी टेस्ट में वर्ड्स का पार्ट होता है, वर्ड्स का क्या रोल है। वर्ड्स का रोल का मतलब ये नहीं कि वर्ड्स का रोल ही नहीं है, ऐसे जनरली वर्ड्स का रोल जो होता है वो 7% कम्युनिकेशन स्किल में जो शब्द का इस्तेमाल होता है 7%, लेकिन जो टोन ऑफ वॉइस है, या ठीक है ना, जो हम बात करते हैं, जो हमारा टोन है, जैसे अभी बात मैं कर रहा हूँ, तो टोन कैसा है, इफेक्टिव है कि नहीं, पहुँच रहा है तुम लोग के पास कि नहीं, ठीक है ना, तो टोन कैसा है, ठीक है, ये है 38%। और उसके बाद है बॉडी लैंग्वेज, ये है 55% बॉडी लैंग्वेज, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव उसमें आएगा। देखो यहाँ पर रिस्पॉन्स कैसे करते हो, फीलिंग्स कैसी है, अप्रोचेज कैसे, सब उसमें अपने आप आता है, ये सारी चीज़ उसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो बॉडी लैंग्वेज काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर है। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना है, शब्द तो बेहतर होने ही चाहिए, बेहतर शब्द होने के बावजूद उसका रोल कितना होगा, 7%, जबकि जो टोन होगा बोलने का, इंटरव्यू बोर्ड को प्रभावित करना तुम्हारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, यहाँ हमने बताया था आप क्या चाहते हैं, ठीक है, आप क्या चाहते हैं, तो हमने कहा स्टूडेंट क्या चाहता है, रिजल्ट, ठीक है, पोस्ट, लेकिन कैसे, इंटरव्यू बोर्ड को प्रभावित करके, ठीक है, इंटरव्यू बोर्ड को प्रभावित करके, ये बोर्ड क्या चाहता है, वो जांच करना चाहता है, जज करना चाहता है, चेक करना चाहता है, हमारा कैंडिडेचर सुटेबिलिटी को चेक करना चाहता है, हमें क्या करना है, अपने आप को प्रूव कर देना है कि आई एम द सुटेबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट, यू आर द सुटेबल कैंडिडेट ऑफ द पोस्ट, ये प्रूफ करना है। इसके लिए हमको करना क्या होगा, इसके लिए सारा चीज़ को समझना है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, चूँकि वर्ड्स की बात है, टोन की बात है, इंटरव्यू में क्या होगा, गॉसपिंग, बातचीत होगी, इसलिए इंटरव्यू क्या है, ये क्या है, कम्युनिकेशन स्किल टेस्ट, टेस्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, कौन सा विद्यार्थी कितना बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करता है, अपनी बातों कितने अच्छे से रखता है। ठीक है ना, कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल का टेस्ट, बात समझ आ रहा है, ठीक है ना, तो क्योंकि जब तुम पास करोगे, पब्लिक सर्विस में जाओगे, तो वहाँ क्या होगा, तुम्हें लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा, लोगों की बात को सुनने का अवसर मिलेगा, उनकी समस्याओं को सुनना, समझना, यहाँ हम इसको लिख देते हैं आगे कि जब हम बात करेंगे किसी भी व्यक्ति से, उनकी समस्याओं को सुनना, ठीक है,
सुनना, समझना, ठीक है, और उसका समाधान ढूंढना, समाधान ढूंढना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, समाधान ढूंढना है, ठीक है। तो सुनना, समझना और उसका समाधान ढूंढना, जाहिर है इसके लिए कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी बेहतर होना चाहिए। जब हम बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है, उनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे, तभी हम समस्या का समाधान करेंगे, तभी हमारा नॉलेज, हमारा स्किल, हमारी पर्सनालिटी पब्लिक के सर्विस के लायक रहेगी, या पब्लिक के सर्विस को हम प्रोवाइड करवा सकते हैं जब हम खुद सुनेंगे, समझेंगे बेहतर तरीके से। इसलिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और कम्युनिकेशन में जो बोलते हैं, हम लोग बात करते हैं, स्पीकिंग, उससे ज़्यादा ज़रूरी है लिसनिंग। तो कैसे वाले पार्ट वहाँ पर आएगा, कैसे कैसे क्या, वहाँ लिसनिंग इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू का पार्ट में केवल बोलना नहीं, आंसर कितना दिया, कैसा दिया, नॉट इम्पॉर्टेंट, सुने कितना अच्छे से। जब तुम हमसे भी कोई क्वेश्चन पूछो, हम उस क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से, सावधानी से सुनने की कोशिश करते हैं, ताकि बेहतर तरीके से हम आंसर दे पाएँ और स्टूडेंट उसको समझ पाए। अगर सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो आंसर क्या देंगे। इसलिए लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, बस हमारा है ना, ये कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट है। लिसनिंग पर अलग क्लासेस हो सकती है, अलग चैप्टर हो सकता है, यहाँ हम लिख देते हैं इसे, लिसनिंग, ध्यान से सुनना। हियरिंग और लिसनिंग में अंतर है, सुनना और श्रवण करना में अंतर है, ठीक है, समझ आ रहा है। कान सुनता है, कान से क्या करते हैं हम लोग, बचपन से सुन ये बात को पढ़ते सुनते हैं, अरे कान से हम लोग क्या करते हैं, सुनते हैं, आँख से देखते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब श्रवण करने की बात आती है, लिसनिंग की बात आती है, तो लिसनिंग में ये कान जो है, ईयर है, केबल, और केबल वो क्या करता है, मीडियम की भूमिका निभाता है, माध्यम की भूमिका निभाता है, इट इज़ ओनली ए मीडियम, ठीक है ना। ध्यान से सुनना मतलब यहाँ से सुनना, दिमाग से, ब्रेन से, मन से, है ना। जैसे अभी तुम लोग इंटरव्यू के एस्पिरेंट्स हो, तो बात अभी हो रही है, तुम्हारा काम है कि सर जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनना, लेकिन इसको सुनने जा रहे हैं कि वैसे ही हियरिंग कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना ही श्रवण कहलाता है। इंटरव्यू बोर्ड में कोई क्वेश्चन आता है, कभी कभी काफ़ी धीमा आवाज़ आ रहता है ना, कोई व्यक्ति काफ़ी बुजुर्ग होते हैं, कोई जानबूझ के धीमे बोलते हैं तुमको चेक करने के लिए, तो वहाँ अगर हम ध्यान से नहीं सुनेंगे, लिसनिंग स्किल हमारा बेहतर नहीं होगा, तो हम बेहतर इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन जो उधर से आएगा उसका बेहतर इंटरप्रिटेशन, ठीक है, बेहतर अंडरस्टैंडिंग, बेहतर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, तब स्पीकिंग क्लियर है, ये बात याद रहेगा, नोट कर लेना है। क्या बताया हमने, पहले लिसनिंग, इंटरप्रिटेशन, ठीक है, इंटरप्रिटेशन के बाद अंडरस्टैंडिंग, उसका अंडरस्टैंड करना, और वेल कॉन्फ़िगरेशन, सही तरीके से व्यवस्थित करना, तब मुंह खोलना। ये पर्दा जो मुंह में जो दो ओठ ऊपर में है ना, वो पर्दा है, शटर है, बंद रखना, और कान में जो शटर कहीं नहीं है बेसिकली बाहर में, वो खुला हुआ है, ठीक है ना। तो सुनना है, सुनना है, लेकिन हाँ बीच में कुछ पर्दा वर्दा वहाँ भी लगा हुआ है, ताकि फालतू बात नहीं सुनना, काम की बात सुनना है, लेकिन ओठ दोनों बंद रखना है, और इंटरव्यू तक तो निश्चित रूप से बंद रखना है, कम बातें, कम लोगों से बातें, दिमाग खुला रखना है, शांत रहना है, खाना पीना अच्छे से खाना है, चेहरा वगैरह का थोड़ा सा ग्लेजिंग थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, और ऐसे रिजल्ट के बाद ऐसे थोड़ा सा बढ़ जाता है, जब रिजल्ट आता है, रोल नंबर जब रहता है लिस्ट में, तो थोड़ा सा तो बेहतर हार्मोन्स का सिक्रेशन होना शुरू हो ही जाता है, स्मार्टनेस आ जाता है, थोड़ा सा और करना है, और एक बार और रोल नंबर रहना चाहिए वहाँ लिस्ट में, और ग्लेजिंग आ जाए तुम्हारा, ठीक है ना, आ रहा समझ में, ठीक है ना, ये काम करना है। तो चलिए, यहाँ हम बात कर रहे थे, लिसनिंग की बातें हो रही थी, तो ये पर्सनालिटी टेस्ट है, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल का टेस्ट है, लिसनिंग बेहतर होना चाहिए, इसकी बातें हैं, ठीक है, ये सारा चीज़ हम लोग व्हाट में कर रहे थे कि क्या है, इसको मिटाएं और क्या नहीं है, ये भी समझना है। इसलिए इंटरव्यू को ज़्यादा परेशान नहीं होना है इसके लिए, और ज़्यादा कैजुअल भी नहीं रहना है, नॉट टू मच कैजुअल, नॉट टू मच सीरियस, एक बिहेवियर अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच रखना है, ध्यान रखना है वहाँ पर,
और उसके अनुसार अपना काम करते जाना है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जहाँ दिक्कत होगी वहाँ बात करना है, ठीक है। वाई इंटरव्यू, वाई तो हम लोग देख ही लिए कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, इंटरव्यू क्यों लिया जाता है। अब देखो पीटी में तुम्हारा जो टेस्ट हुआ था वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट था, ऑब्जेक्टिव था। मेंस में जो टेस्ट हुआ था वो सब्जेक्टिव था। अब इंटरव्यू में जो टेस्ट होगा ये ओरल होगा और सामने होगा ये वाला, ठीक है, सामने होगा। तो पीटी में जो टेस्ट लिया गया ये टेस्ट हुआ था 150 क्वेश्चन, ठीक है ना, को सॉल्व किया गया था कितने घंटे में, दो घंटे, केवल दो घंटे में 150 क्वेश्चन पढ़ना, समझना और उसका आंसर टिक मार देना जल्दी जल्दी। और उसमें क्या होता है, ए बी सी डी ई रहता है ऑप्शन, उसी में से मारना है, कोई आप एफ नहीं मार सकते, ठीक है ना। और अगर उसका आंसर ए है तो आप बी मारेंगे तो आंसर आपका रिजल्ट, मतलब आपको मार्क्स उसका नहीं मिलेगा। ए है तो ए ही मारना पड़ेगा, डी है तो डी ही मारना पड़ेगा। तो वो एक टेस्ट हो गया, उसमें भी तुम लोग पास करके आए। फिर मेंस का दिया सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट, मतलब यू आर इंपॉर्टेंट, तुम इंपॉर्टेंट हो। अब एक क्वेश्चन आया हुआ है, हजारों विद्यार्थी उसका आंसर लिख रहा है, तो हजारों स्टूडेंट्स उस आंसर को हजार तरीके से लिख रहा है, उसमें उसकी सब्जेक्टिविटी, उस विषय के प्रति उसकी जानकारी, समझ, ठीक है ना, उसकी व्याख्या, समस्याओं की समझ, समाधान के, ठीक है, की क्षमता, समाधान की क्षमता है कि नहीं, ये सारा चीज़ चेक होता है सब्जेक्टिव टेस्ट में, मेंस में, जिसको आप सभी लोग पास करके आए हैं। अब क्या होता है कि इंटरव्यू बोर्ड ये देखता है, और बहुत तरह की जो समस्याएं आएंगी अचानक, है ना, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड स्टूडेंट का उसमें काम करेगा कि नहीं, है कि नहीं, ठीक है, इसकी पर्सनालिटी कितनी बेहतर है ये देखना है, क्योंकि लिखने के तो बहुत सारे याद करके भी लिख सकता है, ठीक है ना। तो बेहतर तरीके से पब्लिक सर्विस के लायक अप्रोच है कि नहीं, स्किल है कि नहीं, पर्सनालिटी है कि नहीं, ठीक है ना। इसके लिए क्या करता है, सामने बुलाता है, साक्षात्कार, क्या है, साक्षात्कार, मतलब अब जो होगा वो साक्षात होगा, आमने सामने वो बुलाया जाता है यहाँ पर। तो क्यों लिया जाता है भाई, तो क्यों का आंसर लगे पहले हमने दिया कि स्टूडेंट में सारे गुण को देखना कि ऑफिसर लाइक क्वालिटी इसमें विद्यार्थी में है कि नहीं, OLQ है कि नहीं, पब्लिक सर्विस के प्रति, ठीक है, विद्यार्थी अवेयर है कि नहीं, डेडिकेटेड डिवोटेड है या नहीं, समझ है कि नहीं, ठीक है ना, ये सारा चीज़ है, ठीक है। अब दूसरा जो पोस्ट है उस पोस्ट के लिए सूटेबल है कि नहीं, ठीक है। तो बहुत सारे पार्ट हैं, एक तुमको बुकलेट मिलेगा उसमें लिखा हुआ रहेगा ये सारा चीज़ और क्या क्या चीज़ में करना है, ठीक है, ये सारा चीज़। इसके लिए इंटरव्यू लिया जाता है ताकि वो आपके बारे में जान सके कि आप कितने बेहतर कैंडिडेट हो सकते हैं। कैंडिडेट तो हजारों हजार है, कैंडिडेट तो हजारों हजार है, ठीक है, मतलब 1828 और सीट है 689, ठीक है ना, मतलब तीन गुना रिजल्ट आया है तो 1/3 का सिलेक्शन होना है, तो उसके पास कैंडिडेट तो तीन गुना है, जितना सीट है उसका तीन गुना कैंडिडेट है, ठीक है ना। तो 1/3 उसको लेना है, तो 1/3 में वो देखना चाहेगा कि भाई इसमें से ज़्यादा बेहतर कौन है, ज़्यादा सुटेबल कौन है, जो सुटेबल होगा उसका सिलेक्शन होगा। तो हमें प्रूफ करना है कि आई एम सुटेबल, पहले ही बताया, वो प्रूफ करेगा, जांच करेगा कि, है ना, हु इज सुटेबल, हम प्रूफ करेंगे कि भाई आई एम सुटेबल, आई एम ओनली सुटेबल, ऐसे तुम लोग ध्यान रखना है, कॉन्फिडेंस बढ़ा कर रखना है, ठीक है ना। ये सारा चीज़ है, इसका पार्ट है, ठीक है ना। अब इसको किस तरीके से करना है, हाउ वाला पार्ट है ये, जब हम इंटरव्यू देने जाएंगे तो क्या क्या पार्ट, क्या क्या चीज़ वहाँ पर आएगा, ठीक है ना। तो आप लोग देख समझिए इस चीज़ को, ठीक है, इसको समझना है। इंटरव्यू में जब कोई एक विद्यार्थी जाता है, इंटर करता है, तो सबसे पहले जब इंटर करता है तो इंटर करना, बैठना, ठीक है, तो वो क्या होता है वहाँ पर, जैसा ही इंटर किया बैठा, ठीक है, तो पहला आधा मिनट एक मिनट तक आपके पूरे अपीयरेंस को की झलक वहाँ पर मिलती है, अपीयरेंस, ठीक है, आपका अपीयरेंस कैसा है। तो यहाँ पर पहला में ये ध्यान रखना है, फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, एटिक्वेट्स जिसमें पहनावा ओढ़ा भी आ जाएगा, शर्ट पैंट कैसा पहने हुए, बियरिंग पर भी काफ़ी है, इस पर भी अलग से चर्चा हम लोग कर लेंगे। ऐसे ध्यान रखना है, बियरिंग का मतलब ही नहीं है कि बियरिंग नहीं, वही चीज़ है, कैजुअल नहीं हो सकते हम, अब बहुत ज़्यादा ही नहीं है कि बहुत महंगा कपड़ा ब्रांडेड खरीद के चले गए, ठीक है, वैसा भी नहीं है, चमक दमक वाला चले गए पहन, वैसा भी नहीं है। एक फॉर्मल एग्जीक्यूटिव टाइप से, एग्जीक्यूटिव को जिस तरह से रहना है, एक ऑफिसर जिस तरह रहना है, फॉर्मल सूट्स, ठीक है ना, शर्ट पैंट लड़की के लिए, महिलाओं के लिए सलवार सूट हो सकता है, साड़ी हो सकता है, इस पर हम लोग चर्चा अलग से कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये एटिक्वेट्स आपका, वियरिंग आपका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, पहले भी मैंने बताया हुआ है, एक वीडियो है उसमें देखोगे, ये सब पार्ट जब तुम वहाँ अपीयर होते हो, अपीयरेंस और वहाँ बैठना, ठीक है, और धैर्य रखना, गंभीरता के साथ रहना, ये सारा चीज़ मिला करके लगभग वो 30% का पार्ट तो उतना ही पूरा करता है। वो एक विद्यार्थी वहाँ पर जाएगा, अपीयर हो जाएगा, डिसिप्लिन में रहेगा, ठीक है ना, तो 30% मार्क्स तो उसको यहीं पे मिल जाएगा, 30%। अब मार्क्स जोड़ लो, कितना मार्क्स लाना है, कितना मार्क्स मिल रहा है, ठीक है, आप अच्छे से जा रहे हैं, आपका एटिक्वेट सही है, एंट्रिंग सीटिंग, ठीक है, थोड़ा सा फिजिकल गेटअप ये सब अच्छा रहना है, तो आपको 30% मार्क्स तो ऐसे मिलेंगे। उसके बाद आता है जब हम बातचीत करते हैं, ठीक है ना, जब बातचीत करते हैं मतलब यहाँ से शुरू हो जाएगा, इंटरव्यू शुरू हो जाता है, जो फॉर्मल गॉसपिंग शुरू होता है, तो ये फॉर्मल गॉसपिंग में जो हमारा इंटरव्यू का सेशन चलता है, बातचीत, ठीक है ना, जिसको हम लोग जो हम बोलेंगे वहाँ पर, स्पीकिंग और लिसनिंग साथ में चलेगा, स्पीकिंग और लिसनिंग, सुनाई, सुनना और बोलना दोनों साथ से चलेगा, ठीक है। इस पार्ट में अब क्या है कि कितना पेशेंस आपके पास है, कितना डिसिप्लिन्ड आप हैं, ठीक है ना, डिसिप्लिन, पेशेंस, धैर्य से किसी को सुनना, ठीक है, उबना नहीं है, ये सारा चीज़ को दिमाग में रखना है। तो ये जो पार्ट है ये 20% प्लस तो इसी का रोल है। तो मतलब आप अपीयर वहाँ हुए, धैर्य से रहे, पॉजिटिविटी बनाकर रखे, डिसिप्लिन्ड रहे, इससे आपको दोनों मिलाकर के लगभग 50% का पार्ट होगा, हो जाएगा, ठीक है, 50% मतलब 60 मार्क्स, क्लियर है। ऐसा तो है नहीं कि कोई आंसर कुछ नहीं देगा उतना देर में। अब जो आप आंसर देते हैं, जो बोलते हैं, ध्यान रखना है, अब जो क्वेश्चन का आंसर आप देते हैं, ठीक है, जो प्रश्न पूछा जाता है उसका आंसर देते हैं, ये दिख रहा है, तो जो आंसर आप देते हैं वो आंसर का पार्ट है और 50%। ये मेरा अपना एक ऐसा ही कैलकुलेशन है, ठीक है, जो मैं समझा हूँ, ठीक है, एग्जामिनेशन को दिया, पास किया और समझा कि हाँ भाई कैसे कैसे क्या होता है, वही चीज़ शेयर किया जा रहा है, ठीक है ना। तो मेरे अनुसार ये पार्ट है कि फिजिकल अपीयरेंस, एटिक्वेट्स, वियरिंग का 30%, ठीक है ना, और डिसिप्लिन, फॉर्मेलिटीज, ठीक है, पेशेंस का 20-25%, तो 50-55 वहाँ हो जाएगा। बाकी जो आंसर आप देते हैं उसका रोल 50% है। इसीलिए कभी भी घबराहट में, जल्दीबाजी में कोई आंसर नहीं देना है ना, रुकना है, समझना है, पॉज लेना है, उसका भी अपना इंपॉर्टेंस है, पॉज का, कि 2-4 सेकेंड हम रुक करके आंसर दें, नहीं आता है तो सॉरी बोलें, ये सारा चीज़ यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए, एक तो ये हो गया, कोई दिक्कत है इसमें, एक है इसमें रोल क्या है, इंटरव्यू का रोल क्या है, ठीक है, एक तो इतनी चीज बातें हम लोग समझ ही रहे हैं, तो रोल क्या होगा इसका, इसका रोल देखो, बिना इंटरव्यू का तो सिलेक्शन नहीं होना है, है ना। अगर कोई विद्यार्थी मुख्य परीक्षा में अब 900 में वो 850 भी ले आया होगा, क्या सिलेक्शन हो जाएगा, इंटरव्यू नहीं देने जाएगा, तो अपीयर तो होना ही पड़ेगा, भले टोटल कटअप 8.5 से जाए, 4.5 से जाए, जितना भी जाए, ठीक है ना, लेकिन अपीयर तो होना ही होना है, ठीक है। तो रोल जो इसका है, ध्यान रखना है, विदाउट अपीयर हुए तो रिजल्ट नहीं होना है, पहला चीज़ है, तो ये तो कंपलसरी है, ठीक है ना, मैंडेटरी है, चाहे आप मुख्य परीक्षा में जितना भी नंबर लाए हो, मैंडेटरी है। अब बात रही कि भाई मेंस एग्जामिनेशन में जो 900 का मार्क्स था और इंटरव्यू में 120 मार्क्स है,
टोटल 1020 नंबर है, ठीक है ना। काफ़ी कम इसका रोल दिख रहा है अभी इन कंपेरिजन ऑफ मेन एग्जामिनेशन, ठीक है, काफ़ी कम दिख रहा है। कितना लगभग हो गया इसका, कितना परसेंट, कितना परसेंट, 13% ठीक है, 13% अगर एवरेज हम मान लेते हैं। लेकिन ये 30% काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एक तो मैंडेटरी है, ठीक है, दूसरा अगर इसमें हम बेहतर करते हैं इंटरव्यू में जो 30% का मार्क्स है, अगर हम बेहतर करते हैं तो यही हमारा सिलेक्शन का आधार होगा, ठीक है, सिलेक्शन का आधार यही होगा। क्योंकि अगर कोई विद्यार्थी, हो सकता है मेंस में कुछ नंबर किसी का है ना एवरेज ऊपर रहा हो, बहुत ऊपर नहीं रहा हो, एवरेज रहा हो, तो इसमें अच्छा करेगा तो सिलेक्शन का आधार हो जाएगा, पास कर जाएगा विद्यार्थी। इसलिए मेंस तो हर हाल में बेहतर, इंटरव्यू हर हाल में बेहतर करने की कोशिश करना है, ठीक है। दूसरा, अगर किसी का मुख्य परीक्षा में अच्छा मार्क्स आया है, उसने अच्छा किया है, उसको लगता है कि हमारा अच्छा है, अब इंटरव्यू में फिर रिलैक्स नहीं करना है, इंटरव्यू को हम और बेहतर करते हैं, और बेहतर करते हैं, तो इसका रोल कहाँ होगा, रैंक को बेहतर करने में, रैंक को बेहतर करने में, ताकि आपको जो BPSC के द्वारा या किसी भी सिविल सर्विसेज में जो ऊपर के रैंक के पोस्ट होते हैं, जो आप चाहते हैं, जो आपका डिजायर है, आपकी इच्छा है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये जो 13% है इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमने देखा है कि पिछले बार इंटरव्यू हुआ था, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे काफ़ी सिंपल सरल, ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा बोल नहीं पा रहा था विद्यार्थी, उस विद्यार्थी ने भी बात को समझा और डिसिप्लिन, फॉर्मेलिटीज, पैसेंस के आधार पर उसने काफ़ी 90 मार्क्स लाए 120 में, मेरी उम्मीद नहीं थी, फिर भी लाया है। बहुत सा विद्यार्थी जैसे कि होता है कि ज़्यादा हड़बड़ी करता है, जल्दीबाजी में बात करता है, है ना, तो कभी कभी अच्छा होने के बावजूद भी नंबर कम आ जाता है, 80 आ गया, 70 आ गया, ऐसा हमने देखा है, जो हमारा अनुभव रहा है, ठीक है। तो मेरा यह कहना है कि जो आप जानते हैं उसको आप प्रिजर्व करिए, प्रमोट करिए, ठीक है ना, और खुद भी आप अपने आप को प्रमोट करिए, और अभी एकदम डिसिप्लिन रह करके, अभी एकदम पैसेंस के साथ रह करके हमेशा खोजना है, ठीक है, समस्याओं के समाधान की खोज करते रहनी है, समझ को विकसित करते रहना है, ठीक है, और हर समय शांत रह करके मन को स्थिर रखना है, मन को शांत करना है, इसको विकसित करना है, और BPSC चाहता क्या है उस पर हमेशा ध्यान रखना है, उसको उसके लिए बेहतर करने की कोशिश करना है, ठीक है। इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत है तो रोल इसका क्या है, हमारा एक तो मैंडेटरी है, दूसरा हमारा सिलेक्शन का आधार होगा, और तीसरा हमारा रैंक को भी बेहतर कर सकता है इंटरव्यू, ठीक है ना। क्वेश्चंस जो आते हैं इंटरव्यू में, तो उसका पार्ट होता है कि आखिर किस किस सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन जो वहाँ पूछे जाएंगे, क्वेश्चन का सेक्शंस क्या क्या होगा, क्या क्या सेक्शन होगा, कुछ आइडिया है चूंकि ये इंटरव्यू है, हमने अभी बताया था कि जबकि 120 मार्क्स ही हैं, लेकिन इसके जो क्षेत्र हैं, इसका जो आयाम है, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड, वो काफ़ी व्यापक है, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, कहीं से कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना, कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। इसलिए हम बार बार बताते हैं कि कभी भी कहीं भी कुछ भी बोलने के लिए, लिखने के लिए तैयार रहना है, यही है मुख्य परीक्षा इंटरव्यू की तैयारी, कभी भी कहीं भी कुछ भी बोलने और लिखने के लिए तैयार रहना, यहाँ बोलने के लिए तैयार रहना है, मतलब जवाब देने के लिए कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन फिर भी इसका मतलब यह नहीं है कि एकदम अनसर्टेन है, भाई करेंगे क्या, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, भाई कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। उसका अपना एक फिर भी क्या है, अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, अनलिमिटेड होने के बावजूद भी इसका अपना एक फॉर्मेट होगा, क्लियर है, इसलिए घबराना नहीं है, उसका अपना फॉर्मेट होगा, उसकी अपनी एक दिशा होगी, अपनी एक दशा होगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या क्या होगा, तो सबसे पहला चीज़ एक बायोडाटा अपना तैयार करना है, बायोडाटा तैयार करना है, बायोडाटा काफ़ी ईमानदारी से तैयार करना है।
और आपने फॉर्म भरा होगा वहाँ पर, उसमें सारे डाटा लिखे गए हैं। इसमें आपका नाम, पता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, हॉबीज सब इसमें आ जाएंगे। जॉब कर रहे हैं तो जॉब, ठीक है, ये सारा चीज़ इसमें आएगा। तो बायोडाटा को काफ़ी ऑनेस्टली, काफ़ी मिनटली प्रिपेयर करना है, लाना है, उसको हम लोग देखेंगे, फिर उस पर हम लोग एक एक चीज़ पर बताएंगे, जहाँ जहाँ कुछ क्वेश्चन निकल सकते हैं उस पर उसकी बात करेंगे, ठीक है। एक वो हो जाएगा। दूसरा, जो आपका ऑप्शनल पेपर है, ऑप्शनल पेपर से बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, इसका एक चार्ट बनाना है, लिस्ट बनाना है, ठीक है। तीसरा, आपका जो ऑनर्स पेपर है, ऑनर्स या पीजी में जो पेपर आपका है, स्पेशलाइजेशन कुछ है, उसकी तैयारी कर लेनी है, ठीक है। फिर आपका, हालांकि बायोडाटा का पार्ट है फिर भी, हॉबीज, हॉबीज इसको तैयार कर लेना है, ठीक है। फिर आपका करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में ध्यान रखना, बिहार, नेशनल, इंटरनेशनल, तीनों तरह के करंट अफेयर्स को दिमाग में रखिएगा। तीन तरह के लिस्ट बनेंगे, करंट का, बिहार, नेशनल, इंटरनेशनल, ठीक है। और तीनों को हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट बनाएंगे, एक एक पर करके चर्चा उस पर करते चलेंगे, ठीक है। डिस्प्यूटेड इश्यूज वगैरह हो सकते हैं वो करंट अफेयर्स, ठीक है। बिहार के लिए करंट अफेयर्स तो होगा ही, बिहार के लिए अलग से बिहार के कुछ मुद्दे हैं, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, नेचुरल हजार्ड से संबंधित, बाढ़, सूखा, है ना, इस टाइप से। तो बिहार को के बारे में, या बिहार के डेवलपमेंट का प्रोस्पेक्ट, बिहार के प्रॉब्लम्स, ये सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो बिहार के लिए हमारा एक ये पार्ट यहाँ पर बनेगा, बीपीसी के चूँकि इंटरव्यू, इसलिए नोट कर लेना है सारा चीज़, बिहार अलग से, बिहार स्पेसिफिक, छोटे छोटे क्वेश्चन भी और कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप जॉब में हैं, अगर आप जॉब में हैं तो जॉब प्रोफाइल, इस पर हम आएंगे, क्वेश्चंस वगैरह इस पर देंगे, क्वेश्चन लिखवाएंगे, बताएंगे, ठीक है ना। तो जॉब प्रोफाइल्स, जो लोग जॉब में हैं, ठीक है, जॉब में क्या इंटरेस्ट आपका है, क्या प्रॉब्लम्स वहाँ पर है, सीनियर्स का आपके प्रति क्या व्यवहार है, आपका व्यवहार सीनियर प्रति कैसा रहता है, आपके जो कलीग्स हैं उनका व्यवहार आपके प्रति कैसा रहता है, आपका व्यवहार उनके प्रति कैसा रहता है, आपने उस जॉब में क्या सीखा, क्या समस्याएं देखा, क्या सुधार करना चाहते हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो पूछा जाता है। और ये सारे प्रश्न प्रश्न नहीं हैं, तो क्या हैं, दिज ऑल क्वेश्चंस आर पैरामीटर्स टू चेक योर पर्सनालिटी, टू चेक योर सुटेबिलिटी फॉर द पोस्ट। ध्यान रखना है, इसलिए कि जॉब में क्या समस्याएं हैं, क्या बेहतरी है, कैसा व्यवहार सीनियर का, कैसा व्यवहार जूनियर का पूछ रहा है, तो केवल वो क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। किसी के बारे में उल्टा पुल्टा बोल दिए, निगेटिव बोल दिए, एकदम बचना है सब चीज़ से। हमेशा आपका आंसर एकदम मैच्योरिटी वाला, बेहतर आंसर, समझदार वाला होना चाहिए इस मामले में खासकर। मतलब दिखना चाहिए कि यू आर ए वेरी गुड पर्सन, आपकी पर्सनालिटी काफ़ी बेहतर है और आपके रिश्ते आपके कलीग के साथ, आपके सीनियर के साथ काफ़ी बेहतर है, सबका प्यार आपको मिलता है, सबका सहयोग आपको मिलता है, ठीक है ना। ऊपर वाले आप पर भरोसा करते, ऊपर वाले मतलब सीनियर्स, आपके जो बॉस हैं, आप पे भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, ठीक है ना, और आपको सपोर्ट भी करते हैं। जो आपके कलीग हैं नीचे वाले, आपको सहयोग करते हैं, आपका साथ देते हैं हर परिस्थिति में, ये आपका पर्सनालिटी है। जब आप ये वहाँ पर ऐसे जवाब देंगे तो लगेगा नहीं तो भाई व्यक्ति बहुत बेहतर है, तभी तो सब लोग सहयोग करता है इसको। आप कह देंगे, अगर रियलिटी में भी कहीं ऐसा कुछ हुआ होगा, आप कह देंगे सर बहुत वहाँ दुष्ट सब रहता है, इडियट सब है, कोई बात नहीं मानता है, नहीं समझता, आजकल बहुत काम चोर सब है ना, तो सुनता ही नहीं है, तो समझ में आएगा कि पर्सनालिटी आपकी अच्छी नहीं है। तो ये आना भी चाहिए काम करवाना, तभी तो आप किसी भी, देखिए इस पोस्ट में, इस सेवा में आप जाएंगे या पास करने पर जो भी सेवा आपको मिलेगी, उसमें आप कहीं ना कहीं एक ऑफिस के इंचार्ज होंगे, आपको बहुत सारा, ठीक है, वर्कफोर्स मिलेगा नीचे काम करने के लिए, फिर पब्लिक से जुड़कर काम करना होगा। तो आपकी एनर्जी, आपकी क्षमता ऐसी होनी चाहिए कि आप दूसरों से काम करवा सकते हैं, दूसरों से, है ना, प्रेम से, अपने प्रभाव से, मतलब पॉजिटिव जो इम्पैक्ट आपका, उससे आप करवा सकते हैं काम, अपने स्किल से, अपने सोच से आप काम करवा सकते हैं, ये होना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ब्लेम फ्रेम नेचर नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम बताने वाला नेचर नहीं होना चाहिए, बल्कि समाधान बताने वाला व्यक्तित्व होना चाहिए आपका, किसी भी समस्या का समाधान बताने वाला, न कि
प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, हर बार प्रॉब्लम, नहीं प्रॉब्लम नहीं सुनता है कोई, केवल समाधान। जैसे अभी परीक्षा में जिसका रिजल्ट हुआ है उसका उसको लोग देख रहा है, जिसका रिजल्ट उसने पूछता क्या प्रॉब्लम था, क्यों रिजल्ट नहीं हुआ, रिजल्ट चाहिए। उसी प्रकार से जब काम करेंगे वहाँ भी परफॉर्मेंस चाहिए, रिजल्ट चाहिए, क्लियर है ना। तो उस टाइप से आप वहाँ पर जॉब प्रोफाइल वाले का जॉब से भी कभी कभी होता क्या है, बातें निकलते निकलते ऐसे आ जाता है। अभी बीपीएससी में ऐसे पर्सनल जो लाइफ है उसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, नाम से, एड्रेस से या कुछ इस तरह का। लेकिन कभी कभी जैसे कोई व्यक्ति मैरिड है तो मैरिड लाइफ से कभी कभी क्वेश्चंस आ सकते हैं, महिला है तो महिलाओं से स्पेसिफिक क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, मतलब कुछ पूछे जा सकते हैं महिलाओं संबंधित इश्यूज, महिलाओं संबंधित प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, ये पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार से कुछ पार्ट्स है क्वेश्चन का जिसका चार्ट बना लेना है, चार्ट के अकॉर्डिंगली उस पर हम लोग स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अभी आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर हम लोग अभी करेंगे लगातार कुछ क्लासेस, तो अगले क्लास के बाद हम देख लेते हैं आगे क्या करवाना है, तो उसमें बता देंगे, फिर उसको देख के आएंगे। इसको आप लोग कर लीजिए, बढ़िया से देख लीजिए और चार्ट इसका ऐसे बनाइए और बायोडाटा बना करके आप सभी लोग दे देंगे, उस सबका स्टडी करेंगे हम और उस पर उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन फिर तैयार करेंगे। और जो समस्या है सामने लाना है, जो भी अभी भय है, डर लग रहा है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, उसको लाना है, ठीक है। डरना तक दम नहीं है, इंटरव्यू पास करने का सबसे पहला, ठीक है, मंत्र है डरना छोड़ दो, क्योंकि वहाँ कुछ होना नहीं है, बहुत भारी कुछ नहीं है। एक मिनट दो मिनट तक टेंशन रहता है, फिर तुम उसी को हो जाओगे, रिलैक्स हो जाओगे, वो रिलैक्स करवा देते हैं इंटरव्यू बोर्ड वाले, तो रिलैक्स करवा देंगे, टेंशन नहीं लेना। डरना छोड़ देना है, प्लीजेंट रहना है, दो चीज़ हम नोट कर लेना है, क्या, पहला डरना छोड़ देना है, एकदम खुश रहना है, प्लीजेंट रहना है, स्माइल करते रहना है, दो चीज़ याद रखिए, सर ने बताया है बस, बाकी अपने आप सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट अगेन, फिर हम लोग मिलते हैं कल क्लास में।